अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आयज़ा बिलाल। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश व आबाद रखे। आज मैं आपके साथ शर्ट डिज़ाइन करने के बहुत ही खूबसूरत लेटेस्ट ट्रेंडी आइडिया शेयर करूँगी। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। यहाँ से आइडिया लेकर आप सिंपल फैब्रिक को यूज़ करते हुए शर्ट को एक स्टाइलिश और ट्रेंडी लुक दे सकती हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। शर्ट के बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग आइडियाज़ हैं। मेरी इस वीडियो से आइडिया लेकर आप शर्ट को मुख्तलिफ तरीक़ों से डिज़ाइन कर सकती हैं। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। शर्ट के सारे ही डिज़ाइन ज़बरदस्त है, ताकि आपको डिज़ाइनिंग का एक अच्छा सा आइडिया मिल सके। अगर आपको शर्ट की डिज़ाइनिंग समझ नहीं आ रही, तो आप मेरी इस वीडियो से आइडिया लेकर शर्ट को बहुत आसानी से एक डिज़ाइनर और स्टाइलिश लुक दे सकती हैं। इनमें से जो डिज़ाइन आपको पसंद आए, उसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको स्टिचिंग करना आती है, तो आप खुद स्टिच करें या फिर अपने टेलर से दिखाकर स्टिच करवाएं। आई होप आज की वीडियो से आपको न्यू और ट्रेंडी आइडियाज़ मिलेंगे। डेली वेयर के लिए शर्ट के ये डिज़ाइन बहुत ही ज़बरदस्त है, आप ज़रूर आइडिया लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे चैनल पर अपडेट होने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे और आपको पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि वो सब भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। मैंने पूरी कोशिश की है कैजुअल वेयर शर्ट के बहुत खूबसूरत डिज़ाइनिंग आइडिया शेयर करूँ, और ऐसे डिज़ाइन शेयर करूँ जो कि आजकल ट्रेंड में हैं। आप देख सकती हैं कि प्लेन शर्ट के बहुत ही स्टाइलिश और ट्रेंडी डिज़ाइनिंग आइडियाज़ हैं, और प्रिंटेड शर्ट के भी आपको बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग आइडियाज़ मिलेंगे। आई होप आपको अपनी पसंद के मुताबिक कोई ना कोई डिज़ाइन ज़रूर पसंद आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।